tak adin din tak ra 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 आपने स्वच्छता अभियान पर बहुत सारे नुक्कड़ नाटक देखे होंगे। स्वच्छता स्वच्छता स्वच्छता, यह साल स्वच्छता पर ही मनाया जा रहा है। गीला कचरा, सूखा कचरा, कूड़ेदान, शौचालय, इन सब से आप समझ ही गए होंगे और थक भी गए होंगे। तो दोस्तों, भाइयों, बहनों, लेखकों, नृत्यकों, गायकों और आप सभी कलाकारों को सूचित किया जाता है कि हमारा नाटक आपको कुछ नया दिखाएगा। यूनिकॉर्न एक्टर स्टूडियो प्रस्तुत करने जा रहा है स्वच्छ रहेगा मन तो साफ रहेगा वतन। Cool dude boys, I'm a cool dude boys. Cool dude boys, I'm a cool dude boys. Cool dude boys, I'm a cool dude boys. हम लोग अब करते हैं क्या दुनिया से डरते हैं आप क्लोज अप क्यों नहीं करते हैं आप क्लोज अप क्यों नहीं करते हैं डांस अप ना 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 हो ना 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 डेटॉल डेटॉल हो आसाब निर्मा वॉशिंग पाउडर दूध से सफेदी निर्मा से आई रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए सबकी पसंद निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा निर्मा कपड़े साफ आपने कभी सोचा है सफाई हम क्यों करते हैं बताऊं कीटाणु मारने के लिए अबे सुंदर दिखने के लिए अरे नहीं यार महकने के लिए नहीं इम्प्रेशन जमाने के लिए नहीं गर्लफ्रेंड पटाने के लिए अबे हटो अब देखते हैं ये हमारे कूल डूड बॉयज जब सोसाइटी में जाते हैं तो क्या करते हैं कूल डूड बॉयज हम हैं कूल डूड बॉयज 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 ओए मैं पास हो गया पास हो गया party all night party all night party all night हमने हर नाटक में देखा है कि कूड़ा फैलाने वाले अनपढ़ गवार होते हैं या अनपढ़ गवार ही कूड़ा फैलाते हैं और यही लोग रास्ते पे शौच करते हैं सड़कों पे थूकते हैं पढ़े लिखे लोग या तो साफ सुथरे होते हैं या सफाई पसंद होते हैं पर हमारे ये कूल डूड बॉयज भी किसी से कम नहीं है सफाई आपके पढ़ाई लिखाई होने या ना होने से नहीं होती सफाई हमारे मन से होती है क्या ये मन की सफाई क्या है हाथ कैसे लगा रहा है अबे क्या सड़क पे तुम्हारे बाप किया है बाप पे मत क्या कर लेगा तू क्या कर लेगा क्या कर लेगा इसका साफ रहना बहुत जरूरी प्लास्टिक पॉलिथिन पेपर इन सब को रिसाइकल करके यूज किया जा सकता है छोटी छोटी बातों में मार धाड़ बदले की भावना छोटी छोटी लड़ाई जाती दंगों तक ले जाना इस कचरे को मन से हटाना होगा तीन दिन तक तीन दिन तक तीन दिन तक तीन दिन तक Da 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 da
जैसा कि आप सब जानते हैं, ये साल प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान पे पूरा फोकस किया है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्वच्छता अभियान पर एक निबंध कहें। तो पहले कौन कहेगा? सर, मैं। सर, 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 सर। अरे रुको रुको यार, एक एक करके। सर, गाय की ना चार टांगे होती है। हाथ लाओ। नहीं सर, 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 गाय की ना दो सींग होती है। सर, गाय की एक पूंछ भी होती है। सर, गाय की ना दो आंखें भी होती है। सर 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 गाय की दो कान भी होते हैं। सर, गाय दूध भी देती है। अरे यार, तुम लोग गाय के बारे में क्यों बात कर रहे हो? सर, गाय पॉलिथिन भी खाती है। सर, गाय कागज भी खाती है। सर, गाय कचरा भी खाती है। सर, गाय स्वच्छता भी करती है। सर, गाय हर चौक पे मिलती है। सर, गाय स्वच्छता अभियान में शामिल है। सर, गाय ना हर जगह होनी चाहिए। सर, डस्टबिन की जगह गाय होनी चाहिए। जी सर। सर सर, गाय हमारी माता है। और सर, हमें अपनी माता से कुछ सीखना चाहिए। अरे बच्चों, मुझे पता है गाय हमारी माता है, है। लेकिन रस्तों को साफ करना हमारा कर्तव्य है, गाय का नहीं। अगर हम अपने रस्ते साफ रखेंगे तो गायों को एक कूड़ा कचरा नहीं खाना पड़ेगा, समझे? अरे क्या समझे? स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। हाँ। भारत हमारा देश है और इसमें विविधताएं हैं। हमारे देश में अलग अलग त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। हमारे देश में अलग अलग जाति और धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। हमारे देश में विविधता है पर हमारे सारे 30 त्योहारों में, यहाँ तक कि सारे राजनैतिक राष्ट्रीय त्योहारों में भी एक चीज जरूर पाई जाती है जो हमारी एकता दर्शाती है, वो है कूड़ा, ढेर सारा कूड़ा। चिल्ला के कचरी सुनाए, झूम झूम कौआ भी ढोलक बजाए, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। इस जगह पर पहले खाली मैदान हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पे एक ऊंचा टीला बन चुका है जहाँ से मैं पूरी दिल्ली देख सकता हूँ। अरे मॉन्यूमेंट्स पर कचरा, मार्केट में कचरा, अरे शादियों में कचरा, मैयतों में कचरा, छठ पूजा में कचरा, नवरात्रों में कचरा, इलेक्शन में कचरा, इलेक्शन में कचरा, इंडिया गेट पे कचरा, आईटीओ पे कचरा, लाल किले पे कचरा, पार्लियामेंट पे कचरा, कचरा कचरा कचरा। लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत तो पार्लियामेंट से हुई थी। वहां तो साफ सुथरे लोग होते हैं। क्यों नहीं हो रहा है?
उसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। वहाँ पर लोग खादी के सफेद कोट पहनकर जाते हैं, जिसपे एक भी दाग नहीं होते। पर वहाँ तो कुछ भ्रष्टाचारी भी होते हैं। अरे वहाँ पे कुछ लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के भी होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हर बड़े ऑफिस में और बड़े पोस्ट में भी, यहाँ तक कि हॉस्पिटलों में भी, ड्राइविंग लाइसेंस निकालने पर भी, यहाँ तक कि हर छोटे बड़े कामों में, इन सब कामों के लिए घूस ली जाती है। तो इन सब क्या करेंगे? अरे भाई कचरा कचरा, अरे कचरा। अगर हमें अपने देश को स्वच्छ बनाना है तो हमें अपने मन को स्वच्छ रखना पड़ेगा। ना घूस ले ना घूस दे, ना कचरा फैलाए ना फैलाने दे। स्वच्छता अभियान का मतलब है हमें अपने आचार और विचार दोनों की स्वच्छता करनी होगी। स्वच्छ रहेगा मन तो साफ रहेगा वचन। मैंने कल किया था, तू कर रही है, तू उठाने किया था ना, क्या है? Yeah!